सो है गाइस, स्वागत है मेरा नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं कुछ कलर टोन आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोटो में कलर टोन ऐसे कैसे ऐड कर सकते हैं और अपनी हाई शार्प वाली फ़ोटो को स्मूथ कैसे कर सकते हैं। बहुत ही लोगों को मैंने देखा है गाइस कि हाई शार्प वाले फ़ोटो को स्मूथ नहीं कर पाते हैं, उसका कलर टोन दे ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि इसमें बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं तो एडिट क्या होगा। तो इसी प्रकार की एडिटिंग मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। मैं इस वीडियो में आपको कलर टोन के बारे में बताऊंगा कि आप अपने भद्दी सी फ़ोटो को कैसे मस्त बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को शेयर कर लेते हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। ये देखिए कुछ बहुत ही हाई शार्प फ़ोटो है जो स्मूथ नहीं हो पाता है ऑटोडेस्क टूल में, कितने लोगों का कमेंट आया था। तो इसी पर मैं आपको एक वीडियो बना कर दे रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ से ऑटोडेस्क में चले जाइएगा आप लोग। ऑटोडेस्क में जाने के बाद आपको जो टूल्स वाला आइकन है उस पर क्लिक कर देना है, सिंपली यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। और मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जो ऑटोडेस्क में जो टूल दिया हुआ होता है वो सभी टूल का अलग अलग यूज होता है। और जो हमारा फेस स्मूथ का टूल होता है ना गाइस, जो कि जो फेस स्मूथ सिर्फ कर सकते हैं, वो ये टूल होता है गाइस। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ गाइस, आप अपने फेस को इसी टूल से स्मूथ कीजिएगा। इसी टूल से स्मूथ अगर आप लोग करिएगा तो बहुत ही मस्त स्मूथ होगा। और यही जो टूल होता है गाइस जो फेस स्मूथ के लिए इस ऐप में बना है, तो आप लोग भी इसी टूल का यूज करके फेस को स्मूथ कीजिएगा। बाकी यूट्यूबर की वीडियो में नहीं रहिएगा गाइस। तो सेटिंग्स पर सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपके साइज को 1:1 रखना है। और जो अपना साइज़ है ना गाइस, उसको आप वीडियो के हिसाब से या फ़ोटो के हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं फ़ोटो को जूम करता हूँ और जो पहले मैं येलो वाला पार्ट है ना उसको मैं पहले स्मूथ करूँगा। पहले मैं घी सीटिंग हुआ नहीं गाइस, पहले जो येलो वाला पार्ट है उसकी तरफ से एक लाइन बना लूँगा और उसी तरह से स्मूथ करूँगा। आपको एक प्रकार कुछ ऐसे पैरेलल में स्मूथ करना है गाइस, और एक प्रकार से फिर ऐसे छोटा करके हॉरिजॉन्टल में करना है, तभी हमारा जो फेस स्मूथ बहुत ही अच्छी तरीका से हो पाएगा गाइज। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पहले पैरेलल टाइप है वैसे कर लीजिए, इसका साइज बढ़ा लेता हूँ मैं, और फिर हॉरिजॉन्टल इसको स्मूथ कीजिएगा आप लोग। तो इतना पहले कर लेता हूँ स्मूथ। ये देखिए गाइज, आप लोग को भी ऐसे ही करना है। मैं फ़ोटो को जूम कर लेता हूँ, आप लोग को कुछ इस प्रकार से ऐसे ही स्मूथ करना है गैस। मैं थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा लिया हूँ गैस, क्योंकि इसमें बहुत ही लेंदी हो जाएगा वीडियो तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा। तो आपको पहले पैरेलल करना है फिर हॉरिजॉन्टल करना है, तभी आपका फेस स्मूथ बहुत बढ़िया से हो पाएगा गैस। तो इस प्रकार से मैं इधर भी ऐसे ही कर लेता हूँ। और मैं अपने आँख के नीचे थोड़ा सा कम स्मूथ करूँगा कि ताकि अच्छा से हो हमारा फेस स्मूथ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा फेस स्मूथ होना चाहिए। ये बहुत ही हाई शार्प फ़ोटो थी गाइस, इसलिए मैं इसको स्मूथ करके बताया हूँ। और इस फ़ोटो में मैं पहले होता तो इसमें कलर टोन कुछ ऐड ही नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कैसे आप लोग कलर टोन ऐड कर सकते हैं। तो इतना करने का साइज़ को आप लोग कम कर लीजिएगा। आप अपने नोज पर चले जाइएगा, नोज पर भी उसी प्रकार से आपको ऐसे ही स्मूथ कर देना है। तो ये देखिए मैं कुछ इस प्रकार से इसको स्मूथ कर रहा हूँ गाइस, आपको भी कुछ इसी प्रकार से स्मूथ करना है। आप पूरा कलर को घिसिएगा मत गाइस, जो कलर जिस टोन का बना हुआ उसी टोन में आप लोग इसको करिएगा। तो ये देखिए मैं इस प्रकार से कर लेता हूँ, आप लोग को भी कुछ इस प्रकार से करना है। मैं ब्लू वाले कलर पर ब्लू को टोन चढ़ा रहा हूँ, उसको मैं घसीट कर उधर नहीं ले जा रहा हूँ। और मैं यहाँ से थोड़ा सा फोरहेड के ऊपर ब्लू कलर लगा हुआ है तो उसको भी इसी प्रकार से मैं स्मूथ कर लूँगा। ये देखिए ऐसा करने से हमारा फोटो बहुत ही मस्त गजब लुक में एडिट होता है गाइस। और आपको इस प्रकार से कुछ इसका भी ऐसे ही कर देना है स्मूथ फेस को। देखिए कितना गड्ढा है हमारा फेस पर गाइस, बहुत ही बेकार लग रहा था स्मूथ से पहले, अब बहुत ही ऑसम लग रहा है। ये देखिए
कितना मस्त लग रहा है गाइस हमारा फोटो। ये देखिए गाइस कितना पहले कैसा था अब कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा कास्ट लग रहा है हमारा फोटो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ से ये देखिएगा मैं इसको पूरा कर देता हूँ और हमारा फोटो कितना औसम लग रहा है गाइस, बहुत ही झकास लग रहा है हमारा फोटो। तो ये देखिए मैं चारों तरफ से इसे मिला लेता हूँ, मैंने आपको बोला है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करना है आपको। तो इतना करने के बाद गाइस आपको अपने जो नाक कान मुंह सब पर कर देना है स्मूथ। तो ये देखिए हमारा कितना मस्त लग रहा है हमारा फोटो गाइस। और आप चाहें तो अपने गर्दन या स्किन पर भी इसे स्मूथ कर सकते हैं गाइस, तो मैं अपने गर्दन पर इसे स्मूथ कर लेता हूँ। तो ये देखिए अपने गर्दन पर इसे स्मूथ कर लिया हूँ गाइस। आप लोग चाहे तो इस प्रकार से स्मूथ कर सकते हैं इसको, इतना मस्त लग रहा है हमारा फोटो गाइस। और मैं इसे अपने ईयर पर भी कर लेता हूँ थोड़ा सा स्मूथ। तो हमारा फोटो ओवरऑल काफ़ी मस्त हो चुका है गाइस। अब इसमें हम एक कलर टोन ऐड करेंगे जिसके लिए हमको लाइटरूम में चलना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ से इस फोटो को गैलरी में शेयर कर लेते हैं। शेयर करने के बाद हम इसको लाइटरूम में ओपन करेंगे गाइस। तो यहाँ से मैं शेयर करता हूँ फोटो को। फोटो को हम अपने लाइटरूम में ओपन कर रहे हैं गाइस। तो यहाँ मैं अपने फोटो को लाइटरूम में ओपन करेंगे। लाइटरूम में ओपन करने के बाद पहले हम इसमें कलर का एडजस्टमेंट करेंगे। हमारा फोटो कुछ इस प्रकार है तो हम पहले इसमें कलर ऐड करेंगे। तो मैं लाइट पर क्लिक करता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, हाईलाइट्स को मैं माइनस की साइड रखता हूँ और शैडोज को मैं इंक्रीज कर लूँगा और ब्लैक्स को भी मैं कम कर लूँगा। बिफोर आफ्टर माय फोटो काफ़ी मस्त लग रहा है। आपको सेटिंग अगर देखना है तो देख लीजिएगा, मैं इसी प्रकार का सेटिंग रखा हूँ। और हम कलर मिक्सचर वाले टूल पर जाते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है हमारा फोटो को कलर ग्रेड करने के लिए। तो इसमें पहले हम लोग जो ऑरेंज कलर है गाइस उस पर क्लिक करेंगे। इसका हम सैचुरेशन को माइनस की साइड रखते हैं, लुमिनस को इंक्रीज कर देते हैं और इसका ह्यू थोड़ा सा येलो कलर में कर देंगे जो कि काफ़ी सही लग रहा है हमारा फोटो। ये देखिए इसमें जो ब्लू कलर है ना गाइस उसको सिलेक्ट करेंगे हम लोग, इसका ह्यू माइनस कर देंगे, सैचुरेशन को बढ़ा देंगे। तो ये गजब का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो गया गाइस, बहुत ही झकास लग रहा है फोटो, बिफोर आफ्टर काफ़ी मस्त लग रहा है। ये देखिए आप लोग। तो आज की इस वीडियो में बस इतना गाइस, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो गाइस तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।